योगी जी का भी नहीं प्रदेश में चल रहा है, फिर चल किसका रहा है? कोई है किसी के पास जवाब? अंबानी और अडानी का चल रहा है। अच्छा, अंबानी और अडानी का चल रहा है। जो लोग वो लोग जो गाली कर रहा है, छत्तीस जो बोल। अब रोजगार की स्थिति अच्छी है, मिला है आपको? हमको तो नहीं मिला। सपा के शासन में लगभग 5 लाख नौकरियां दी गई थी। अगर ये रिकॉर्ड दिखा दें, आज ये रिकॉर्ड दिखा दें, ये अपना अपना जो है अपना ये सरकारी डाटा निकाल करके दिखा दें, जहाँ से ला रहे हैं 5 लाख का, और मैं 4.5 लाख का दिखा दूंगा। अगर ये दिखा देते हैं तो मेरा वोट इनके तरफ। भाजपा जो है लोग लुभावन वाली, लोग लुभावन मतलब लालच देके वोटो लोगों को बरगला रही है। कुछ लोग ऐसे हैं, अंधभक्त हैं, जो भगत का चश्मा लगा लिए हैं, उनको विकास ही विकास दिख रहा है। कुछ नहीं, मुक्ति चाहिए, और राशन से खेती तक। बेरोजगारी चरम सीमा पे आ गया है। अगर कोई रोजगार की बात करती है तो उसको हमारे परम पूज्य योगी जी कहते हैं आपके ऊपर मुकदमा हो जाएगा, कहीं के नहीं रहोगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं लोक सेवा न्यूज, मैं हूं आपके साथ रजत त्रिपाठी। यूपी विधानसभा चुनाव के ऐलान जल्द ही होने वाले हैं। आज चुनाव आयोग ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया कि अगले हफ्ते में चुनाव की तारीखों की घोषणा कर दी जाएगी। उससे पहले हम बस्ती जिले के मुंडेरमा कस्बे में पहुंचे हैं। बस्ती सदर विधानसभा है, मौजूदा विधायक भाजपा से हैं। चलिए यहाँ की नब्ज टटोलने की हम कोशिश करते हैं कि इस बार जब चुनाव होंगे तो यहाँ की जनता और यहाँ के युवाओं का मूड क्या है। चलिए हम बातचीत करते हैं लोगों से। क्या नाम है आपका? श्याम सुंदर अग्रहरी। अग्रहरी जी, ये बताइए क्या माहौल है आपके क्षेत्र का? हमारे क्षेत्र का माहौल है कि यहाँ के विधायक कोई काम नहीं किया है। अच्छा जी, जो भाजपा विधायक दयाराम चौधरी जी हैं, कोई काम नहीं किया है विकास का। फिर किसमें संभावना आप देख रहे हैं? हम समाजवादी पार्टी में संभावना देख रहे हैं। ऐसा क्यों? समाजवादी भी तो 12 से 17 तो थे ही। जी जी, तो कितना विकास हुआ था आपके क्षेत्र? बहुत विकास हुआ था साहब। अच्छा जी, चीनी मिल तो भाजपा शासन काल में शुरू हुआ। भाजपा देखिए, ये सब लोग लुभावन, भाजपा जो है लोग लुभावन वाली, लोग लुभावन मतलब लालच देके वोटो लोगों को बरगला रही है। ये समझ लीजिए, जनता को 4 किलो अनार देके एक यूनिट खून लेके 4 किलो अनार दे रही है। ये जो 2000 ले रही है, इधर रिचार्ज में देखिए बढ़ा दी, ठीक है। अरे वो तो प्राइवेट कंपनियां बढ़ाई ना। वो प्राइवेट कंपनियां ना, इन्हीं के इशारे पे, शासन के मोदी योगी के इशारे पे ही यह महंगाई बढ़ रही है। अच्छा। आज दाल, पहले कितना दाल था मटर दाल, और आज देखिए मटर दाल कितना पहुँच गया, और पहले गैस कितना था, आज गैस कितना पहुँच गया। महंगाई से हम लोग त्रस्त हैं, बेरोजगारी से त्रस्त हैं। 12 से 17 में रोजगार अच्छा था क्या? जी जी, रोजगार अच्छा था। इतना इनके जैसा लीकेज नहीं था। कोई भी वैकेंसी आ रही है लीक करवा दे रहे हैं। कोई भी वैकेंसी आए, कोई वैकेंसी फाइनल नहीं हो रहा है इनका। सिर्फ यूपी पुलिस के अलावा कोई वैकेंसी फाइनल नहीं हो रहा है। जी मतलब ये नौकरियां देने में भी अक्षम रहे? नहीं, असफल है ये भाजपा सरकार, असफल है। जी जी, नौकरी देने में भाजपा सरकार असफल है। प्रदेश का क्या लगता है, आप लोग जब मतदान करने जाएंगे, जैसे आप समाजवादी पार्टी बता रहे हैं, जी जी, क्या लगता है कितनी सीटें आ जाएंगी समाजवादी? हमारी पूर्व बहुमत से सरकार बनेगी सर, 325 सीटें हमारी अब की इस बार आएंगी। अच्छा, हाँ, समाजवादी पार्टी की, समाजवादी पार्टी। चलिए, आपको क्या लगता है क्या माहौल है आपके क्षेत्र का? हमारे क्षेत्र का माहौल बहुत बढ़िया है, इस बार समाजवादी पार्टी सरकार बनेगी। अच्छा, और समाजवादी क्यों? क्योंकि पिछली बार जब समाजवादी की सरकार थी, इन्होंने बढ़ चढ़ के काम किया, किसान, गरीब, मजदूर, नौजवान, युवा के सबके साथ इन्होंने काम किया है। वर्तमान सरकार किसान विरोधी, तानाशाही है। दिन दहाड़े गृह मंत्री के लड़के ने किसानों की हत्या करवा देते हैं, गाड़ियां चढ़ा देते हैं। ऐसी सरकार किसानों की हत्या दिन प्रतिदिन करवा रही है और अपने आप को किसानों के हितैषी बताती है। अच्छा। इसलिए सभी किसान, गरीब, मजदूर, नौजवान, युवा ने यह ठाना इस बार अखिलेश जी को लाना है। अच्छा जी, आपको क्या क्यों लगता है, ऐसा क्यों है? योगी, आप लोग मुंडेरमा में खड़े हैं, मुंडेरमा में देखिए कहते हैं चीनी मिल भी शुरू हो गया, तो यहाँ तो रोजगार की व्यवस्था अच्छी हो रही है? चीनी मिल लगाया इन्होंने, काम तो ठीक किया है। हाँ। लेकिन स्थानीय लोगों को रोजगार ना दे करके बाहरी लोगों को इन्होंने दिया है रोजगार। अच्छा। और एक जात विशेष को इन्होंने रोजगार दिया है। कौन सी जाति को दे दिया है? ठाकुर समाज के लोगों को दिया है इन्होंने। बस्ती में ठाकुर बाहुल्य हैं? बाहुल नहीं है, लेकिन बाहरी लोगों को ला के दे दिया है इन्होंने। अच्छा, जाति देखा है कि मतलब सिंह देखा है? वर्तमान योगी सरकार ने जात देख कर काम किया है। समाजवादी भी करते थे यादवों के? मतलब ऐसा कुछ नहीं था। हाँ, तभी तो मतलब ऐसा हाल हुआ कि 224 से 47 पे आ गए। हम लोग कुर्मी समाज से, अगर जात ऐसी बात होती तो हम लोग क्यों जुड़ते उनके? अच्छा, उनके साथ कुर्मी समाज भी जुड़ रहा है इस बार? जी बिल्कुल है। अच्छा, मतलब अब सिर्फ यादव नहीं, बाकी लोग भी जुड़ रहे हैं, ऐसा है? हर जात वर्ग के लोग अखिलेश यादव जी के साथ हैं। इस बार उनकी पूर्ण बहुमत की सरकार बनेगी। अच्छा, वो तो 400 कहते हैं, बहुमत का भी बहुमत बता देते हैं। सरकार तो पूर्ण बहुमत की बनेगी इस बार। और भी लोगों से पूछते हैं, क्या आपको क्या लगता है आपके क्षेत्र का माहौल क्या है, और पिछले 4.5 सालों में क्या विकास कार्य आपके क्षेत्र में हुए हैं? विकास तो हमारे क्षेत्र में कुछ नहीं हुआ। कहने के लिए एक प्रोपोगेंडा बीजेपी ने फैलाया कि हमने बहुत काम किया, बहुत विकास किया। आप किसी भी चीज़ पे जमीनी स्तर पे अगर देखेंगे तो वहाँ आपको कुछ नज़र नहीं आएगा।
कुछ लोग ऐसे हैं अंधभक्त हैं जो भगत का चश्मा लगा लिए हैं, उनको विकास ही विकास दिख रहा है। आपने कहा कि मुंडेरवा में चीनी मिल की बात आपने कहा कि बीजेपी सरकार ने चलाई है, ठीक है, लोगों को लगा कि हमारे क्षेत्र का विकास होगा, डेवलप होगा, लेकिन जिस समय शुगर मिल बंद हुई वो उस समय भी बीजेपी की ही सरकार थी। हमारे यहाँ के जितने लोग बेरोजगार हुए आज उनको 1000 रुपये पेंशन दे रहा है। आप बताइए इस महंगाई में 1000 रुपये में मिल के कर्मचारी कैसे जीव को उपार्जन करेंगे। और बात आप कह रहे हैं विकास की, तो विकास मान लीजिए हमारे क्षेत्र में इन्होंने लाके शुगर मिल दे दिया, शुगर मिल इनको देने से हमारे क्षेत्र में केवल जो है जनमानस को त्रस्तता बढ़ी है, किसानों की आय जो इन्होंने कहा था कि दुगना हो जाएगा, आज देखिए हमारे क्षेत्र में गन्ना का रकबा घट गया है। क्यों? क्योंकि समय से ना उनको कोई, जब रबी की बुआई चलेगी ना उनको कोई खाद मिल रहा है, ना किसी प्रकार का जो है कोई सब्सिडी मिल रहा है। महंगाई जो है कमर तोड़ दे रही है आम आदमी का, साथ साथ किसानों का, इसलिए लोगों का मुँह भंग हो जा रहा है इस खेती से। और ये जो शुगर फैक्ट्री लगी हुई है आज के समय में, हमारे अगर हम विकास की बात करें तो शुगर फैक्ट्री आज के समय में 9 क्विंटल का पर्ची काट रही है, ठीक है, 9 क्विंटल का पर्ची काट रही है। आप बताइए किसान उसको अपने सर से उठा के लाएगा कि किसी बैलगाड़ी में लेके आएगा? बैलगाड़ी का पर्ची लेके क्या करेगा जब बैलगाड़ी आज के समय में चल ही नहीं रही? कहते हैं विकास हमारे यहाँ बहुत तेज़ी से, तो तेज़ी से चल रहा तो आप पर्ची किस बात का काट रहे हैं? यही विकास है हमारे यहाँ। हम लोग पिछली बार भाजपा सरकार लाने के लिए बहुत मदद किए, बहुत तमाम तरीके तमाम उपाय किया गया, लोगों का एक साथ मेहनत किया गया, तमाम चीज़ों की, और जो चीज़ों जान के हम लोग ले आए वो कुछ नहीं दिखा। बात करते हैं हम रोज़गार की, हम लोगों को लगा कि समाजवादी पार्टी जब थी बहुत करप्शन था, बहुत नियुक्तियां ऐसी हुई कि जो जिसमें बहुत फर्जी तरीके से लोगों ने अफवाह फैला। हम लोग इस उम्मीद से बीजेपी सरकार को ले आए कि यहाँ जो है इस तरीके का करप्शन या ऐसे कुछ नहीं दिखेगा, लेकिन ये तो उनके भी बाप निकले, हमारे मुख्यमंत्री जी उनके भी बाप निकले। आप देख लीजिए अभी TGT का रिजल्ट आया, हमारे क्षेत्र का कोई बच्चा नहीं हुआ, कोई युवा नहीं हुआ, सब जो है पता नहीं कहाँ से ऐसे बच्चे आ गए जिनका कोई कहीं नामो निशान नहीं था, आज वो नियुक्ति पत्र लेके आ गए। टेट की बात अगर हम करें, जो आज के समय में बात चल रहा है कि टेट का पेपर लीक हो गया, लीक कैसे हो गया? आप उन कर्मचारियों के ऊपर कार्रवाई क्यों नहीं किए? वो पेपर पाने वाला दोषी है कि पेपर देने वाला दोषी है? उनके ऊपर कार्रवाई करनी चाहिए उनको। और जो इसके पहले वैकेंसी आई थी उसमें जो है टेट का जो टॉपर था उसको, जब आप ही की सरकार थी, बीजेपी की सरकार थी, तो उसमें जो है वो 150 में से 147 नंबर पा करके वो बच्चा टॉपर हो गया, और पता चला कि उसको जो है जब उसकी जांच हुई तो उसको राष्ट्रपति का नाम नहीं याद है, और सरकार ने कहा कि जो है इसको जो है किसी मतलब किसी तरीके से इसकी जांच कराई जाएगी और उसके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। कार्रवाई इन्होंने क्या किया? उस बच्चे को नौकरी से निकाल दिया, उसके ऊपर कार्रवाई, अधिकारियों के ऊपर कार्रवाई क्यों नहीं की जा रही है? जो इसमें सम्मिलित है वो तो हमेशा करप्शन करते रहेंगे और ये हमेशा चलता रहेगा। एक चीज़ यही है, देखिए ये तो कहते हैं कि देखिए जो गुनाह कर रहा है बुलडोजर चला रहे हैं, जी जी। तो आपको लगता है ये जो बुलडोजर संस्कृति है वो प्रभावशाली है? नहीं, बुलडोजर देखिए, एक पढ़े लिखे मुख्यमंत्री को बुलडोजर का नाम ही नहीं लेना चाहिए, ठीक है। गलती कोई भी करे उसके लिए सजा है, उसके लिए कानून है। बुलडोजर शब्द का इस्तेमाल तो बिल्कुल गलत है। किसी की, आप कहते हैं किसी की छाती पर बुलडोजर चलवाएं, अरे क्यों बुलडोजर किसी की छाती पर चलवाएंगे भाई? आपको चलवाना है तो एक साम एक सभ्य तरीके से, आप कहते हैं कि हम जो है सनातनी है, सनातन धर्म के बहुत जो है करीबी हैं, बहुत काम करते हैं सनातन में, बहुत पूजा पाठ में अपना बहुत प्रोपोगंडा फैलाते हैं और रहते भी हैं, तो इस शब्द का इस्तेमाल तो नहीं करना चाहिए एक शिक्षित मुख्यमंत्री के लिए। मतलब आपको लगता है बुलडोजर नहीं चलना चाहिए? बुलडोजर नहीं चलना चाहिए, उचित कार्रवाई जो बनती है वो कानून का हक है, वो कानून उस पर कार्रवाई करे। लेकिन आप देखते होंगे जब भी कानूनी कार्रवाई की बात आती है तो न्याय के लिए 20 साल 25 साल 30 साल 40 साल लंबा प्रोसेस हो जाता है। जी, कहने के लिए तो मेरा भारत महान है, ठीक है, अगर हम इस डिफिनीशन को बचपन से हमारे टीचर और सब लोग पढ़ाते चले आए हम उस चीज़ को मानते भी हैं, ठीक है, लेकिन महान किस कार्यों के लिए माना जाए? क्या इसी कार्यों के लिए माना जाए कि कोई भी अगर न्यायपालिका है तो उसका काम जो है 50 साल तक चला जाए? हमारे देश की जब तक परंपरा नहीं बदलेगी तब तक ये सिस्टम नहीं सुधरेगा। आज भी वही चीज़ है जो अंग्रेज़ों ने छोड़ के गए, आज भी उसी चीज़ों को लेकर हम घूम रहे हैं। बात हम करते हैं शिक्षा की, ठीक है, हमारी NEP 2020 लॉन्च हो गई जो कि 2020 में ही लॉन्च होनी थी, आज भी बताइए कितना प्रभावशाली है इस क्षेत्र में। हम उत्तर प्रदेश सरकार की बात करें, कहते हैं सबका साथ सबका विकास, क्या विकास है शिक्षा में, क्या विकास है ये हमको जरा बता दे। कोई मुख्यमंत्री का अगर स्पेशलिस्ट हो तो वो भी मुझे बता दे शिक्षा में इन्होंने क्या विकास किया है। प्राइवेटीकरण की बात करते हैं तो इनको जो चीज़ प्राइवेटीकरण करना चाहिए उस पर बिल्कुल गवर्नमेंट का ध्यान नहीं है। अगर किसी देश का विकास करना है तो शिक्षा और स्वास्थ्य को प्राइवेट होना चाहिए और सबसे सुदृढ़ तरीका होना चाहिए, अन्यथा आप जहाँ चले थे वहीं फिर आ जाएंगे। मतलब प्राइवेट होना चाहिए कि आप मान रहे बाकी जो सरकारी अस्पताल हैं बंद करके प्राइवेट कर दिया जाए? नहीं, ये मैं नहीं कह रहा हूँ कि प्राइवेट कर देना चाहिए,
मतलब इन चीज़ों पे सरकार को ध्यान दे। आप जो है किसी को फ्री में खिला रहे हो राशन, ठीक है, महंगाई चरम सीमा पे ले आ दिए, इसके लिए जिम्मेदार कौन है? आज जिसका जो हक है वो व्यक्ति उस चीज़ को नहीं पा रहा। मुफ्त की चीज़ें बंद होनी चाहिए, मुफ्त की चीज़ें बिल्कुल बंद हो जानी चाहिए, आज तुरंत से अभी से बंद होनी चाहिए, क्योंकि मुफ्त जो है देश को पीछे की तरफ ढकेलता है, प्रदेश को भी पीछे की तरफ ले जा रहा, हमारे समस्त जनपद वासियों को पीछे की तरफ ले जा रहा, क्योंकि अगर हमको फ्री में कोई चीज़ मिल जा रही है तो उसका वैल्यू हमारे लिए जीरो होता है और उसके लिए हम कभी प्रयासरत नहीं होते। अब अगले लोगों से बातचीत करते हैं, क्या कहना है आपका कि आपके क्षेत्र का क्या माहौल है? बहुत अच्छा माहौल है। किसके पक्ष में? भाजपा के। ऐसा क्यों? किन मुद्दों पर भाजपाइयों को वोट मिल जाएगा? जैसे भाजपा सरकार ने बहुत अच्छा कार्य किया है, जैसे यहाँ नगर पंचायत की स्थापना करवाया, उसके बाद शुगर मिल की स्थापना करवाया और यहाँ पे आईटीआई भी बन रहा है, यहाँ पे तमाम कार्य अच्छे हो रहे हैं, लेकिन उसका कितना उम्र होगा? कितनी उम्र है आपकी? लगभग 26 साल होगी। रोजगार की स्थिति क्या है? अब रोजगार की स्थिति अच्छी है। मिला है आपको? हमको तो नहीं मिला, लेकिन जो प्रयास कर रहा है उसको मिल रहा है। आपने कोशिश नहीं की? हमने कोशिश किया, शायद हम उस मानक पे नहीं खड़े उतरे तो हमको नहीं मिला। मतलब आपको लगता है ये जो बेरोजगार घूम रहे हैं जितने बड़ी संख्या में प्रदेशों में रैलियों में जा रहे हैं, वो लोग जो है मानक पे खड़े नहीं उतर पा रहे हैं? अब होगा भाई, अब वो लोग जा रहे हैं, अब हम क्या बताएं। देखिए अभी हम रोजगार की बात आपने किया इनसे, ये हमारे ही बैचमेट के हैं, ठीक है, ये भी टेट सुपर टेट की लड़ाई लड़ रहे हैं, अभी ये पिछले दिनों में वैकेंसी के लिए जो है लखनऊ में गए और जबरिया इनको उठा के बंद कर दिया गया, फिर भी कुछ लोग ऐसे होते हैं, ठीक है, कि मतलब पुलिस का डंडा प्रशासन का डंडा खाने के बाद भी नाम राम नाम जपते रहते हैं, जैसे बीजेपी सरकार का अभी उन्होंने बताया कि बहुत अच्छा डेवलप किया, डेवलप किया, उस डेवलप से क्या मतलब है कि जो लोगों के लिए हित करना हो लाभकारी ना हो। शुगर मिल की बात हमने किया, बताइए कोई चीज़ अगर एक सीमित में कर दिया जाए काम तो उससे कोई बेनिफिट नहीं है, ऐसा काम करना चाहिए जो लोगों के हित में होना चाहिए। क्या ऐसा कार्य होने चाहिए जो कार्य हुए क्या वो लोगों के हित में? क्या काम दिखाई दे रहा है आप बताइए मुझे? आप बताइए, हम आपके क्षेत्र में जानने आए हैं। जमीनी स्तर पर मुझे कोई काम नहीं दिखाई दे रहा है, कुछ लोगों सीमित कार्य किया गया है यहाँ पर, जैसे उसको 2000 दे रहे हैं, जिसके पास खेती नहीं है कुछ नहीं दे रहे हैं, क्या दे रहे हैं? हाँ, गरीबों के लिए आवास दिया जा रहा है, नहीं शौचालय की व्यवस्था मैंने किया, मिला आपको? हाँ शौचालय मिला, आयुष्मान योजना भी दिया। आयुष्मान आपको मिला? आयुष्मान कहाँ भी क्या मिला, और मतलब जो मजदूर हैं उनको श्रम कार्ड भी बनवा रहे हैं। श्रम कार्ड आपका बना? कार्ड बना है तो उससे क्या फायदा है? लेकिन जिसके पास खेती नहीं है उसको 2000, जिसके पास खेती है 2000 दे रहे हैं या 4000 दे रहे हैं, जिसके पास खेती नहीं है क्या दे रहे हैं? जिनके पास खेती नहीं उनको क्या मिल रहा है? जिनके पास खेती नहीं है उनको क्या मिल रहा है? वही तो बात है, उनको नमक मोरन मिला है, दिया जा रहा है फ्री राशन, लगातार दिया जा रहा है। अच्छा, और नमक में मोरंग, अरे नमक में पूरा मोरंग का मोरंग आ रहा है। हाँ, अरे पूरा का पूरा कंपनी का होता है, अरे उसमें कंपनी का नाम नहीं है, उसमें योगी जी और मोदी जी का चेहरा छपा हुआ है। सबसे ज्यादा ये लोग पैसा खर्च कर रहे हैं, विज्ञापन का फोटो नहीं रहता था। अच्छा, आज के डेट में है, बताइए। नमक नमक मतलब वो पैकेट आता मोदी योगी जी हैं? हाँ, फोटो है उसमें। सबसे ज्यादा ये पैसा विज्ञापन पे खर्च किए हैं, बाकी उसकी शुद्धता पे कुछ भी नहीं खर्च किए हैं। अभी ये भी भाई साहब देखिए रोज बेरोजगार ही है, और वहाँ हमारे जो है कि अभी मित्र गए हैं धरना देने के लिए, लाठियां बरसाई जा रही, बताइए इसके पहले कोई सरकार लाठियां बरसा रही थी? लाठी तो सबकी लाठियां बरसा, नहीं नहीं सर ऐसा नहीं होना चाहिए, जो अपनी रोजगार की बात करे उसको सीधे बाहर कर दिया जाए, लाठियों से पीट करके भगा दिया जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए। अभी वैकेंसी नहीं निकाल रहे, जो भी बात है कोई साल में योगी के सरकार में कितनी वैकेंसी निकली है आप बता सकते हैं? हम प्रवक्ता नहीं है, कुछ परसेंट पार्टी प्रवक्ता नहीं, आप बताइए आप कुछ परसेंट 10 हम नहीं बताएंगे, वो प्रवक्ता नहीं है। देखिए बाद में सब आप ही लोग गरियाएंगे कि जो है भैया प्रवक्ता बन गए हैं ये, आप बताइए आपके मुद्दे नहीं है, लेकिन कहने का मतलब कुछ परसेंट आप बता सकते हैं? 25% 50% कितना कितनी नियुक्ति कराए हैं, जितनी नियुक्ति जितना ये वैकेंसी निकाले हैं प्रदेश में हमारे अभी जो यूपी निकाले हैं, यूपी टेट का जो पेपर हुआ है उसमें जो है तकरीबन 4.5 लाख अभ्यर्थी थे, ठीक है, बाबा जी ने जो है 7000 वैकेंसी निकाली। अब सोच लीजिए कि इतने युवा जिस प्रदेश में बेरोजगार हो, ठीक, ऊंट के मुंह में जीरा डालने से क्या होने वाला है? कुछ होने वाला है? कुछ नहीं होने वाला, बस तड़का लग जाएगा, बस हाँ तड़का लग जाएगा। यह सर जो हरामखोरी वाला राशन फाशन दे रहे हैं इसी से देखिए इतने मोटे हो जा रहे हैं। कम खाइए, कम नहीं खाएंगे, जब मुफ्त में मिलेगा
रात तक खाएंगे और इसको बंद किया जाए, ये अच्छा चीज नहीं है। लेने मत जाइए आप, जो कोटेदार नहीं जाए वो मत दे ना, हम मांग नहीं रहे, हमारा राशन कार्ड काट दें, हमें हम सबको दे रहे हैं, हम भी ले रहे हैं, सबका काटे, हम का हमारा भी काटते हैं, ठीक है, पेड़ भरेगा राशन से, लेकिन रोजगार से हमारी पूरी अर्थव्यवस्था चलेगी, हमारे परिवार की, राशन से हमारी अर्थव्यवस्था। मुफ्त की चीजें आपको अब नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, नहीं चाहिए मुफ्त, हमें अर्थव्यवस्था नहीं चाहिए, हमें अपनी अर्थव्यवस्था मजबूत करनी है, ना कि राशन से अपना पेट भरना है सिर्फ। अगर पेट आपको क्या चाहिए, राशन चाहिए कि रोजगार से खेती तक कुछ नहीं, मुफ्त चाहिए, मुफ्त नहीं चाहिए, हाँ राशन से खेती तक दो दो हजार फिर क्या चाहिए, हराम का नहीं चाहिए, मुझे काम करके रोजगार, रोजगार पेट्रोल की कीमत क्या है, डीजल की कीमत क्या है, सब देख रहे हैं आप, तेल कभी करुआ तेल इतना महंगा हुआ था आज के पहले, सरसों का उत्पादन कम हो गया क्या आजकल, उत्पादन नहीं कम हुआ है, ये बड़े बड़े उद्योगपति लोग अपना वो बढ़ा दिए हैं सिर्फ। आज की अगर हम बात करें, नमक जब 2 रुपया किलो था उद्योगपति तब भी उतना कमाते थे, किसान का जो गेहूँ है, ठीक है, बात करते हैं MSP की, ठीक है, MSP की बात करें, गेहूँ आज मतलब कुछ दिन पहले, कुछ सालों पहले की अगर हम बात करें तो वही नमक 2 रुपया किलो बिकता था, हमारा गेहूँ जो है 15 रुपया किलो तब भी बिकता था और आज भी 15 रुपया किलो बिक रहा है, और महंगाई की, उस व्यापारी का नमक जो है 20 रुपया बिकने लगा है, इसका जिम्मेदार कौन है, कौन जिम्मेदार है, ये हमको कोई बताने वाला है, कोई नहीं जिम्मेदार है भैया, यहाँ पे जिम्मेदार भैया सिर्फ बेरोजगारी बढ़ा रही है, जिम्मेदार वर्तमान तानाशाही भाजपा किसान विरोधी भाजपा सरकार है, कोई सरकार प्रेजेंट टाइम में उन्होंने हर बार उठाने का काम किया है, बाकी किसानें, बाकी सरकारें क्या किसान विरोधी नहीं थी, बाकी सरकारें ने इस वर्तमान सरकार की अपेक्षा उतना अत्याचार नहीं करती थी, सबसे बेहतर किसान का गन्ना का रेट बढ़ा है, और अखिलेश जब 2017 में और 2021 चल रहा है तब कितना था, कितना है ये तो प्रेजेंट टाइम में मालूम नहीं है, लगता है आप लोग बेचे होंगे तो मुझे लगता है जानकारी होगी, तब कितना था, 330, आज कितना है, 325 रुपया जोड़ दो, 350 जी, तब कितनी थी, 325 यानी 5 साल में मान के लिए पूरा मोटी मोटा 5 रुपए बढ़ा है, 25 रुपए जी, गैस फ्री दिए, और गैस का इतने समय कितना है, गैस सिलेंडर का दाम के नाम पर लूट लिया, 1,062 या 1,065 रुपया है, 1,100 रुपए इस समय की गैस का रेट हो गया, पेट्रोल का रेट पहले कई बार हो गया है, सबको सबको लूला लंगड़ा बना दिए, चरम पे बढ़ा दिया है, और नौजवान युवा पढ़े लिखे जब नौकरी मांगते हैं उनको लाठियों डंडों से बरसाया जाता है, उनको मुकदमे की धमकी दी जाती है, अच्छा जी, मुकदमे वाली सरकार हो गई है क्या, जी बिल्कुल हो गई है, सरकार भैया हम अपनी एकदम उतर सकते हैं, ऐसी सरकार हम पढ़े लिखे रोजगारी चरम सीमा पे आ गया है, अगर कोई रोजगार की बात करती है तो उसको हमारे परम पूज्य योगी जी कहते हैं आपके ऊपर मुकदमा हो जाएगा, कहीं के नहीं रहोगे, अगर उनसे कोई रोजगार की बात करता है तो कहते हैं कहीं के नहीं रहोगे, अब रोजगार हमसे मत मांगो, आखिर भाई किससे मांगे हम, आप प्रदेश के मुखिया हैं, किससे कौन रोजगार मांगेगा, रोजगार की बातें नहीं करते हैं ये लोग, मतलब रोजगार की बात होनी चाहिए, चलिए और भी लोगों से जानते हैं, क्या क्या कहना है आपका, क्या माहौल है आपके क्षेत्र का, भैया माहौल बहुत गंदा है, अच्छा जैसे सरकार कहती है कि भूमाफिया मुक्त हो गई है, लेकिन भूमाफिया यहाँ मुंडेरवा नगर क्षेत्र में नगर पंचायत में सिर चढ़ के बोल रहे हैं, आपकी जमीनों में कोई कब्जा लिया क्या, कब्जा नहीं, ग्राम ये जो है आपका हमारे जो है भारत सरकार की जो है जैसे जो बंजर भूमि है उस पर लोगों ने अवैध जमीन है उस पर 200 मीटर लगभग कब्जा किए हुए हैं, लगभग 10 करोड़ की जमीन है वो, अच्छा और गांव के लोग विरोध, हाँ गांव के लोग विरोध किए, भाजपा वाले तो नहीं है ये, भाजपा सरकार में हो रहा है, भाजपा के इशारे पे ही हो रहा है, उसी का मामला है, बताइए थाने से लेकर के राजस्व टीम और तहसीलदार SDM सब उसमें मिले हुए हैं, हाँ जी, गढ़ी खाना काट तक नहीं खनाए लो, इलाहाबाद से कोर्ट के आदेश में हमरे लगे कहा अभी तक खनाई और सरकारी गड्ढा है, गड्ढा कायम भी है कागज में, हाँ और जो कि कौन नहीं करने दे रहा है आपको ये सब, अरे भाई मैं ले आके SDM को दे रहा हूँ, DM को दे रहा हूँ, मुख्यमंत्री को भी भेजा हूँ, हाँ सबके पास मैंने पत्र भेज चुका हूँ भैया, और हमारी आज तक सुनवाई इसी बस्ती इजलास की बात कर रहा हूँ, मतलब आपकी सुनवाई नहीं हो रही है कहीं भी, हाई कोर्ट के आदेश के बाद भी, हाई कोर्ट के और इलाहाबाद से लाया हूँ आदेश, कि हम जो है 2020 से मई से लेकर के और 2021 तक हम उस पर लड़ाई लड़ते रहे अकेले, और हमारे साथ में बहुत से लोग थे, हिंदुआनी के कार्यकर्ता भी थे, लेकिन किसी कार्यकर्ता का या किसी सामाजिक व्यक्ति का सुना नहीं गया,
किसी का नहीं सुना, नहीं सुना गया। हिंदू वाहिनी वालों को नहीं सुनी जा रही आजकल, किसी का कहीं नहीं सुना हुआ। मैं खुद सुने, आप हिंदू वाहिनी कार्यकर्ता है, हिंदू वाहिनी के कार्यकर्ता, ये वो कार्यकर्ता है जिसकी स्थापना खुद योगी जी ने किया था, उस समय किया था जब उनको भाजपा से कुछ बदला लेना था, अपने वर्चस्व बढ़ाना था। अब आपका भी नहीं सुना जा रहा है? नहीं सुना गया भैया। भैया हम लोग योगी जी के पास भी गए थे और वहाँ से लिखित हमको मिला और उस लिखित का भी कोई जिलाधिकारी द्वारा कोई कार्रवाई नहीं हुआ। योगी जी का भी लिखा नहीं चल रहा है? नहीं चला, कुछ नहीं चला। क्या बात है, मतलब राजा का भी नहीं चल रहा है? कुछ नहीं चला भैया, कोई सुनवाई नहीं हुई, अधिकारियों ने कोई भी सुनवाई नहीं किया तक, और वो जमीन आज भी कब्जा हो रहा है, आज भी कब्जा हो रहा है और उस पर कोई सुनवाई, बिक गया करोड़ों में भी गया। एक सवाल सबसे, ये नगर पंचायत ये कह रहे हैं योगी जी का भी नहीं प्रदेश में चल रहा है, फिर चल किसका रहा है? कोई है किसी के पास जवाब? किसके पास जवाब है भाई जी? उनके जी पार्टी का प्रदेश कार्यकर्ता जो लोग, अंबानी और अडानी का चल रहा है। अच्छा, अंबानी और अडानी का चल रहा है, जो लोग वो लोग जो गाली कर रहे हैं, जो बोल रहे हैं वो योगी और मोदी जी कर रहे हैं। रिमोट जो है उद्योगपतियों के हाथ में है, वो चाहे एबीपी न्यूज चलावे, वो चाहे आज तक चलावे, ये सब उद्योगपति चला रहे हैं, सब कुछ है जी। ये सरकार योगी और मोदी का सरकार जो है उद्योगपतियों के हाथ में है, वो रिमोट जैसा दबाएंगे ये लोग वैसा जमा जम नाचेंगे। अच्छा जी जी, ये हाल है जी जी। योगी जी का भी नहीं चल रहा है, क्या कर रहे थे? योगी जी का चल रहा है लेकिन उनके अधिकारी नहीं सुन रहे हैं ना, फिर कैसे राजा हुए? योगी आगे नेताओं के आगे प्रशासन बिल्कुल काठ की पुतली है। नेता लोग जैसे चाहते हैं प्रशासन को वैसे ही न चाहते हैं, जिधर चाहेंगे उधर वो घूम जाएंगे। बात होती है इनकी जमीन की, तो इनके जमीन का जो अंश जो कब्जा में हुआ वो सरकार के इशारे पर हुआ और इनके नेताओं के द्वारा जो है ये सब कर दिया गया कब्जा, और भाई साहब को उठा के जेल में बंद कर दिया गया और दिन रात काम करके जो है उस पर इनके पास ऑर्डर भी था कि कोई निर्माण नहीं होगा, किसी प्रकार का उस पर निर्माण नहीं किया जाएगा। वही प्रशासन इनको उठा के जेल में डालती है और लेखपाल सेक्रेटरी कानून को खड़े होकर उस बिल्डिंग का जो है भूमि पूजन करवाते हैं, निर्माण करवाते हैं। ये हाल है इस सरकार का। चलिए और भी लोगों को जानते हैं, मुझे लगता है आपने बड़े अच्छी बातें रखी हैं। चलिए आपके क्या मुद्दे हैं इस क्षेत्र में? भाई साहब सब लोगों का मैंने सुना, आप भी सुना, आप जिस क्षेत्र में खड़े हैं यह बेल्ट जो है लगभग यहाँ पे इस समय जो है सभी लगभग यहाँ पे लगभग कोई ना कोई कोई सपा का मेंबर है, कोई सपा का अध्यक्ष है, इसमें कुछ उस सपा से ही रिलेटेड हैं, कोई उसी में आईटी सेल के हैं। आप भी तो हैं? मैं भी भारतीय जनता पार्टी का हूँ। अच्छा, और जैसा कि लोगों ने बताया ये काम है वो काम है, आपको बता दें बगल में ही यहीं पर है, भाई साहब ने कहा कि जो है भाजपा की गवर्नमेंट में ये मिल बंद हुई थी, आप गूगल मार दीजिए, अभी मेरे सामने ही बहन मायावती जी की सरकार थी यहाँ पे, सन 98 में ये मिल बंद हुई थी, मायावती जी की सरकार में ये मिल बंद हुई थी और आज पूज्य योगी जी महाराज के नाते ये मिल चालू हुआ है। आप जानते हैं इस जिस मार्ग से आप आए हैं अभी, जिस मार्ग से आए हैं, बहुत झेला हूँ इस पे मैं भी जाके कई बार, आपको भी पता होगा ये मार्ग कैसा था पूज्य योगी जी के महाराज। लेकिन चुनाव पहले बना ये बड़ी समस्या है। चुनाव के पहले देखिए भारत में हर वर्ष कहीं ना कहीं जहाँ भी जाइए आप, हर वर्ष कोई ऐसा क्षेत्र नहीं है जहाँ पे चुनाव ना होता हो, हर वर्ष यूपी में तो 5 साल बाद विधानसभा हो रहा है ना, हम यूपी की बात करते हैं, बाकियों की छोड़ देते हैं अभी हम। हाँ यूपी की बात कर रहे हैं, जैसे आप चुनाव की बात कर रहे हैं तो चुनाव तो पूरे भारत में होता है, लोकतंत्र है। दूसरी चीज 476 करोड़ रुपए लग के ये मिल हमारा तैयार हुआ है और यहीं पे एक जो है अभी भी जो है आप जानते हैं कि जो है क्या नाम है उसका, एक आईटीआई कॉलेज भी खुला है बगल में, हमारा यही मुंडेरवा है, अखिलेश यादव जी थे उन्हीं के समय में मांग की गई थी कि नगर पंचायत घोषित किया जाए, आज पूज्य योगी जी महाराज ने लगभग हमारे इधर क्षेत्र में ही एक नगर हो गया है, बनकटी हो गया है, रुधौली के पास में है और हमारा ये मुंडेरवा भी नगर पंचायत घोषित किया गया है। तो मेरे कुछ सवाल जो जी आप क्वेश्चन कर लीजिए, क्या उम्र है मेरी? लगभग 28 साल है। नौकरी की कभी कोशिश की आपने? मैं एसआई का एग्जाम देकर बैठा हूँ। क्या संभावना दिख रही है? संभावना दिख रही है कि पूरा जो है जो इसमें जो है तमाम प्रकार के भ्रामक प्रचार अभी आपने सुना जी। जो काम जो है मायावती जी ने किया उसको लगा दिया कि भाजपा ने किया, जैसे जो जानकारी का अभाव, ये आप ग्रामीण क्षेत्र में है लोगों के पास जानकारी का अभाव होता है, किसी चीज़ को बरगलाने के लिए अगर एक बढ़िया कोई जानकार अगर व्यक्ति है तो 10 लोगों को बरगला सकता है, दिक्कत यह है। और भाजपा में क्या होता है कि जैसे जो वोटर होता है भाजपा का वो अपने वोट से मतलब रखता है, बातें ठीक है, दे दिया काम, रोजगार की स्थिति आपको लगती है अच्छी हुई है? भाई साहब आपको मैं बता दूं, आप जानते हैं यूपी का जो GDP था वो लगभग 11 लाख करोड़ का था GDP 2000
जब आप 2017 से पहले की बात अगर देखेंगे, उठा करके देख लीजिए, आज इस समय हमारे उत्तर प्रदेश की जीडीपी 21 लाख करोड़ की है, डबल। आपने वैकेंसी की बात, एक मिनट सर, आपने सबका सुना, मेरा भी सुन लीजिए। यहाँ आपने देखा अभी सब लोग लगभग लगभग सब सफाई हैं, मैं एक अकेला आपको भाजपा ही मिला, तो कम से कम मेरी बात तो सुनिए। आपने देखा अभी जो है कहा गया कि यहाँ पे वैकेंसी के नाम पे लोगों को ठगा गया, आप भी मुझसे पूछ रहे हैं कम से कम आपको मैं एक बेरोजगार मिल जाऊँ, आपको कहने का मौका मिल जाए। आपको पता होना चाहिए कि 3,75,000 केवल ओनली मात्र जो है, अगर डाटा देखा जाए उस समय 2012 से लेकर 17 तक के 3,75,000 केवल 2,75,000 लगभग पौने 3 लाख जो है वैकेंसी अखिलेश सरकार के समय में दिया गया था, मैं मानता हूँ इस चीज़ को। और उसके बाद योगी जी के सरकार में 4.5 लाख वैकेंसी दी गई है, कितना नियुक्ति हुई है 4.5 लाख की मैं बता रहा हूँ, 4.5 लाख नियुक्ति दी गई, ऑन रिकॉर्ड देख लीजिए उठा करके, मैं कह रहा हूँ, मैं भैया के शासन में लगभग 5 लाख नौकरियाँ दी गई थी, वर्तमान सरकार कह रहा हूँ अगर कुछ हुआ ही नहीं भाई साहब, अगर ये रिकॉर्ड दिखा दें, आज ये रिकॉर्ड दिखा दें, ये अपना अपना जो है अपना ये सरकारी डाटा निकाल करके दिखा दें जहाँ से ला रहे हैं 5 लाख का, और मैं 4.5 लाख का दिखा दूंगा। अगर ये दिखा देते हैं तो मेरा वोट इनके तरफ, मैं सरकार इनके तरफ जो है अखिलेश को वोट दूंगा। अगर मैंने 4.5 लिखा दिखा दिया गवर्नमेंट डाटा, तो ये क्या देंगे भाजपा को वोट देंगे आप? अगर दिखा दें, मैं गारंटी लेता हूं सरकार में वर्तमान सरकार की डाटा की बात करिए ना, डाटा की बात करिए, मैं डाटा की बात कर रहा हूं, मैं डाटा की बात कर रहा हूं, गवर्नमेंट डाटा आप भी मानेंगे। आज जो 2021 जो है, अभी आपने देखा होगा कि 2011 का जो जनगणना था, आज जो भी लोग सेंसस की बात करते हैं उसी को उठा के बात करते हैं, किसी के पास कोई डाटा नहीं है। तो भाई मैं भी कह रहा हूँ डाटा से बात करिए आप, आपके पास डाटा हो दिखाइए, मैं अपना डाटा दिखाऊंगा। जी बिल्कुल है, चलिए, पूर्व में सरकार अखिलेश यादव सरकार ने वर्तमान सरकार के अपेक्षा ज्यादा गवर्नमेंट नौकरियां दी, इन्होंने सिर्फ निजीकरण किया है और निजीकरण करके अपने चहेतों को पूंजीपतियों को बेचने का काम किया है। आइए आइए, 2014 से लेखपाल की वैकेंसी नहीं आई, 2021 खत्म होने वाला, 7 साल हो गया इनका डेली का, कितने परसेंट में लिखती है, कितना किया है और कितना नियुक्ति किया है सिर्फ, मैं तो वही कह रहा हूँ, पुलिस को छोड़ दीजिए उसके अलावा ये कितना वैकेंसी किए हैं ये आप हमको बता दीजिए। देखिए जिसमें नियुक्ति हुई उसको छोड़ दीजिए, जिसमें नहीं हुई यानी जो आपका जो वीक पॉइंट है उसको पकड़ करके ले आइए और दिखाइए कि ये गवर्नमेंट की फेलियर है। एक मिनट, और जिसमें पास है उसका चर्चा मत करिए, गजब के लोग है भाई। समाजवादी पार्टी के समय जब सरकार समाजवादी की जा रही थी उसी समय वैकेंसी निकली थी और उसका एग्जाम भी गवर्नमेंट यूपी सरकार में योगी आदित्यनाथ जी की सरकार ने वो एग्जाम करवाया और उसके बाद जो है उस वैकेंसी को ये हुआ कि इसमें चरम सीमा पे धांधलीबाजी हुई है और उसी एक सवाल हो जाए, मैं एक बात, आपने कहा कि समाजवादियों ने 3,75,000 नियुक्ति दी, मैं आपकी बात कर रहा हूँ, मेरा ये डाटा नहीं है, फिर आपने कहा कि भाजपाइयों ने 4.5 लाख दिया, तो अगर इतना ही थोड़ा सा ही बदलाव के लिए, देखिए क्योंकि एक बड़े सपने जगा के आए थे, मुझे उम्मीद है जब आप 28 की बता रहे हैं तब आप 23 के रहे होंगे जब 2017 में सरकार बनी तो बड़े आप उम्मीद में रहे होंगे, और 2014 का एक दौर था तो उस समय एक देश में अलग विश्वास जगा था नरेंद्र मोदी के प्रति, तो उस विश्वास का क्या अगर आप भी उसी डर्रे पे चल रहे हैं। देखिए कुछ ऐसी चीजें हैं जैसे महंगाई, आप भी मानेंगे क्योंकि देखिए आपके अभी जो घर के, आप भी ग्रामीण परिवेश से जुड़े व्यक्ति हैं, नेता किसी भी पार्टी का हो, चाहे वो सपा का हो, बसपा का हो, आम आदमी का हो, भाजपा ही हो, उसको व्यक्तिगत तौर पे धन की कोई समस्या नहीं है, वो बड़े बड़े प्लेनों से चल रहा है, लेकिन क्या आपको महंगाई से तो तकलीफ हो रही होगी? बेशक आप आईटी सेल में काम कर रहे हैं तो आपको तकलीफ हो रही कि नहीं? बिल्कुल महंगाई से तकलीफ होती है, लेकिन महंगाई को जब 2013 का देखा जाता है, महंगाई आप जानते हैं कि जब 437 रुपए का गैस मिलता था तो यही लोग हैं, बता दें जिसके घर में शादी होती थी अगर गैस लेने जाते तो 1200 रुपए खरीद के लेकर के आते, 2013 की बात कर रहा हूँ, आज 2021 चल रहा है उसकी बात नहीं करेंगे क्यों? हाँ, और ये चीज देखिए, सुन लीजिए, अभी एक मिनट आप यही देख लीजिए, यही आप गेट पार करेंगे भाई साहब,
जब 450 में जब गैस मिलता तब की बात बता रहा हूँ, यही गैस के लिए लाठी खाते थे लोग, लाठी खाते थे। रेट तो नहीं आदि था, लाठी खाते थे, रेट तो नहीं आदि था। आज रेट कितना होगा? 3 गुना होगा। मतलब अभी लाठी खा कर अगर कम पैसे में लाठी खा रहे हैं किसान आदमी, हम लोग लाठी खाते हैं, सब कुछ हम कम खड़ गए हैं। पैसे के लिए मरते हैं। इन्होंने कहा था कि हर साल 2 करोड़ नौकरियां देंगे लगभग बीजेपी। जो जो कंपनियां दूर संचार वाली जो 30 दिन का वैलिडिटी था उसको घटा करके 28 दिन कर दिया गया। व्हाट्सएप पढ़ लिए अब भी लग रहा है। नहीं नहीं, ये सही बात है, व्हाट्सएप की बात छोड़िए भैया, यूज करते होंगे मोबाइल। सुनिए, जो 30 दिन की बैठी होती थी अब 2 दिन में एक्स्ट्रा चलता है, लोग परेशान है। 28 दिन का मोबाइल 2 दिन वाला घोटाला हो रहा है। 2 दिन का नहीं घोटाला है। पहले 10 रुपए का रिचार्ज करते थे हम लोग, 7 रुपया मिलता था, और ये सिम कंपनियां कहती थी लाइफ टाइम आपका इनकमिंग चलेगा, इनके ऊपर पहले मुकदमा होना चाहिए। चलिए, क्षेत्र का और भी कोई ऐसा व्यक्ति है? मुझे लगता है कि एक ही व्यक्ति की ज्यादा बातें रखनी भी मेरे ख्याल से उचित नहीं है। हम और भी ऐसे लोग हों जो हैं, जो व्यक्ति हैं। जी आइए, आपके क्षेत्र के क्या मुद्दे हैं? क्या लगता है आपको पिछले 4-4.5 सालों में विकास कार्य हुआ है? हाँ बिल्कुल, थोड़ा बहुत हुआ, लेकिन जो चाहिए वर्तमान में आप देखिए सर का जो हाल हुआ, और भ्रष्टाचार तो चरम पंथी पे। नगर पंचायत हुआ है, 35,000 रुपये हो गया आवास के लिए, आवास आए ना आए, लेकिन क्लियर हो गया कि 35,000 आपका क्लियर मिलेगा, हमको देंगे 35,000। मतलब देना पड़ता है आपको? देना पड़ेगा। किसको देंगे आप? अरे जो ब्रोकर यहाँ पे दलाली है। कौन कौन? हम दुश्मन हम थोड़ी लेंगे, ठीक है? पहली बात। हाँ दूसरी बात, ऐसी तो ना भी आप भर्ती हुआ है नगर पंचायत में, हमसे मत पूछिएगा। मैक आपको हटा दीजिएगा, ठीक है? घर में 50,000-60,000 रुपया दे के हुए हैं, हमसे मत पूछिएगा, उनसे पूछ लीजिएगा पर्सनली आप, ठीक है? और अगर आपका मिल चालू हुआ, ठीक है, चलिए मिल इसमें पूछिए कि जितने भर्ती हुए से कितने परसेंट लोकल है, इसमें जाके देखिए। सब बार के भाई हमारे यहाँ मिल खुला हुआ तो हमें नौकरी मिलना चाहिए ना, वहाँ से लोग आप क्या करेंगे? इतना परसेंट मिलना चाहिए। स्थानीय रोजगार की नीति की बात थी, 2017 में भाजपा ने अपने मैनिफेस्टो में शामिल किया था कि अगर उनकी सरकार प्रदेश में बनती है तो 70% स्थानीय लोगों को रोजगार देंगे, लेकिन 80% तो बाहर से आए हुए हैं। 70-80% बात कर रहा हूं कि उनके मैनिफेस्टो में 2017 में था भाजपा के, और अभी 2022 के चुनाव भी हैं, एक हफ्ते बाद शायद आचार संहिता भी लग जाए, तो मुझे लगता है यह स्थानीय रोजगार नीति का जो मुद्दा था वो उनके मैनिफेस्टो तक ही रह जाएगा, वो ग्राउंड पे नहीं आएगा। तो आपने सुना सपा और बसपा के बीच जो एक द्वंद्व छिड़ा, इसमें कहीं ना कहीं बसपा छूट गई। बसपा की चर्चा प्रदेश में कम हो रही है, और बहुत से लोगों का ये भी मानना है कि ये जो लड़ाई है 22 की वो सपा बनाम भाजपा की है, बसपा कहीं ना कहीं लड़ाई से पीछे छूट रही है, क्योंकि मायावती इन दिनों रैलियां भी नहीं कर रही हैं। एक रैली लखनऊ में करने के बाद वे शांत हैं, वे शायद किसी ऐसे मौके की तलाश में हैं जब कोई 19-20 सरकार में हो और उस सरकार के साथ वे जाएँ और फिर से सरकार के साथ भागीदारी में अपनी सहभागिता निभाएँ। फिलहाल के लिए इतना ही, आप देखते रहिए लोकसेवा न्यूज़।